اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين। और मद फराई की अकसाम चार है जिसमें से हमने एक किस्म को स्टडी कर लिया है, मद मुत्तसिल को, उसकी तौजीह, उसका फार्मूला, उसकी मिकदार, वो हमने विद एग्जांपल्स जो है वो हमने देख ली है। अब इंशाल्लाह सेकंड जो है वो हम उसको देखने लगे हैं, उसका नेम है मद मुनफसिल, मीम नून फा सौद लाम, मुनफसिल। जैसे आप फसल लिखते हैं इस तरह मीम और नून लगा के मुनफसिल जी। तो सबसे पहले हम नाम की तौजीह में जाएंगे कि ये जो नाम है ये नाम इसका क्यों रखा गया। तो मुनफसिल जो है ये फसल से है, और फसल जो है आप कह सकते हैं कुरान पाक में सूरह फुस्सिलत भी आता है और फातिरुस समावात भी आता है, ठीक है, आसमान को फाड़ने वाला या आसमान फटने वाला। तो बेसिकली जो फसल है उसकी जो मीनिंग्स हैं वो आते हैं सेपरेशन के, सेपरेट के। और जैसा कि खेत भी होती, खेत और फसल होती है, उसको भी फसल क्यों कहते हैं, वो फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि खेत अलहदा अलहदा, ये चावलों का खेत है, ये गंदम का खेत है, तो वो अलहदा अलहदा जो है वो उनमें जो गैप होता है इस लिहाज से उसको फसल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम मद के लिहाज से देखें तो मद मुनफसिल को मद मुनफसिल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबब मद्दा और महल मद ये दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है, बात अंडरस्टैंड हुई, ये पॉइंट है। मद मुनफसिल को मद मुनफसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें महले मद और सबब मद सेपरेट होंगे। मद मुत्तसिल को मद मुत्तसिल क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें महले मद और सबब मद एक ही लफ्ज के अंदर जुड़े हुए आपस में होंगे, ठीक है, उनमें गैप नहीं होगा, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। अच्छा जी, तो मद मुनफसिल में हमारे सामने क्या चीज आई उसकी तौजीह में कि इसमें महले मद यानी के हर्फ मद्दा या हर्फ लीन और सबब मद में हमें पता तीन है, तो जाहरी बात है किसी एक लफ्ज में कोई एक ही आएगा, तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ये अंडरस्टूड है। तो हम चूंकि अभी हमजा के बारे में पढ़ रहे हैं, मद मुत्तसिल में भी हमजा के बारे में पढ़ा था, तो मद मुनफसिल में भी आपका सबब मद्दा सिर्फ और सिर्फ हमजा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज, फिर हम इसको रिवाइज करती हूँ कि मद मुनफसिल को मद मुनफसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें महले मद और सबब मद ये सेपरेट होंगे, ठीक है, इनमें गैप होगा। अब हम देखते हैं कि गैप कैसे होगा, फार्मूला की तरफ आते हैं। तो फार्मूला में आप लिखिए, हेडिंग दीजिए मद मुनफसिल का फार्मूला, इसकी हेडिंग दीजिए और इसमें लिखिए, इसमें लिखिए कि हर्फ मद्दा एक लफ्ज के आखिर में, हर्फ मद्दा एक लफ्ज के आखिर में होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पहले लिखें, हर्फ मद्दा एक लफ्ज के, ये बात याद रखनी है, एक लफ्ज के आखिर में होगा, प्लस डालें, आगे हेडिंग लिखें कि हमजा दूसरे कलीमा के या दूसरे लफ्ज के शुरू में होगा, हमजा दूसरे लफ्ज के शुरू में होगा। इसमें मैं अगेन बोल देती हूं, आप इसको देख लीजिए, फार्मूला ये है कि मद मुनफसिल का फार्मूला ये है कि हर्फ मद्दा एक लफ्ज के आखिर में होगा और दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा होगा। अब देखें हमारे पास हमजा जो है सबब मद्दा भी आ गया, सबब मद्दा में से आया ना, और हर्फ मद्दा जो हमारा महले मद में से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मद फराई के स्टार्ट में जो हमने पढ़ा था कि मद फराई के लिए आप हमेशा दो अज्जा को देखेंगे, एक महले मद और एक सबब मद्दा, वो दोनों हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल की तरफ, जैसे ही आप एग्जांपल देखेंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कुरान पाक खोले, मैं आपको कुरान पाक से बताती हूँ। कुरान पाक में आयत नंबर देखिए इंशाल्लाह, आयत नंबर है 119 सूरतुल बकरा, 119 में आप देखिए पहला वर्ड है इन्ना, दूसरा वर्ड है अरसलना का, दो लफ्ज हो गए। तो मद मुनफसिल में हमें दो लफ्ज चाहिए, ठीक है, मद मुनफसिल में हमें दो लफ्ज चाहिए, मद मुत्तसिल में हमें एक ही लफ्ज चाहिए था,
मतलब मुनफसिल में हमें दो लफ्ज चाहिए। अब ये देखिए इन्ना ये एक लफ्ज है, अवसलना का ये दूसरा लफ्ज है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फार्मूला में दूसरी रिक्वायरमेंट पे आए। पहले लफ्ज के आखिर पर हर्फ मद्दा होना चाहिए, तो इन्ना जो है इस लफ्ज के आखिरी हर्फ जो है वो कौन सा है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर। ये जो ऊपर मद का साइन है इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, ठीक है। ये जो अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, ये है अलिफ मद्दा। दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी हमारी। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा होना चाहिए, तो वो मिल गया हमें। अब सलना का ये जो रॉ है इससे पहले क्या है, ये हमजा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने वेरी स्टार्ट टॉपिक में बताया था कि हमजा की दो शक्लें होती हैं, एक हाफ आइन की तरह जो हमें पता है हमजा जो लिखा होता है अलिफ बाता सामे एंड पे हमजा जिस शक्ल में लिखा होता है, और एक हमजा इस तरह होता है कि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी हरकत आ जाए तो वो भी हमजा होता है, ये हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर अरसलनाम का में दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा, तो रॉ से पहले जो वो हमजा आ गया दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा, तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। दो लफ्ज होने चाहिए, पहले लफ्ज के आखिर में हर्फ मद्दा होना चाहिए, दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा होना चाहिए। दोनों तीनों चीजें हमारे पास पूरी आ गई है। आप ऐसा करें कि फार्मूला में फर्स्ट में एक और चीज लिख लें, दो चीजें लिखी हुई थी ना, एक और चीज ऐड कर लें कि दो लफ्ज होने चाहिए, ठीक है, दो लफ्ज होने चाहिए। फिर प्लस अगली जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाई हुई थी कि पहले लफ्ज के आखिर में हर्फ मद्दा, और तीसरी स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी कि दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा होना चाहिए। ये तीन स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड है मद मुनफसिल में, ये पूरी हो जाती है तो आपकी वो रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है। तो अब आप देखें कि अब हम जब यहां पर पढ़ेंगे तो कौन सी मद करके पढ़ेंगे, हम यहां पर मद मुनफसिल करके पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जैसे कि है इन्ना अरसलनाका, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमने मद की है वो है मद मुनफसिल। तो अब मुझे बताएं कि यहां तक आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं, जो मैंने अभी पॉइंट ऐड करवाया है वो भी आपको क्लियर हो गया, आपको इसमें जो रिकग्नाइजेशन है वो भी हो चुकी है कि कहां कैसे हरफ मद्दा है, हमजा कहां है, दो लफ्ज कैसे हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, तो काइंडली मुझे बताइए। आयत नंबर देखिए 114 में भी देखें, जैसा कि हम यहां पे पढ़ते हैं अय्यदखुलूहा इल्ला, अब ये कि अय्यदखुलूहा इल्ला, तो यदखुलूहा ये एक लफ्ज है, इल्ला ये दूसरा लफ्ज है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यदखुलूहा में पहले लफ्ज के आखिर में अलिफ मद्दा है, ठीक है, महले मद में से हर्फ मद्दा आ गया यहां पे, और दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा है जो कि सबबे मद्दा में से हमजा है। तो ये दोनों चीजें जो है हमारी पूरी हो गई है। तो अब जब हम यहां पे मद करेंगे यदखुलूहा इल्ला, ठीक है, अब हमने यहां पर मद मुनफसिल करके पढ़ा है। इस मद में आपने नाम की तौजीह भी देख ली है, मद का फार्मूला भी देख लिया है, मद की जो मिसाल है उसको भी देख लिया है। अब आखिरी चीज जो हमारे पास रह गई है वो है मद की मकदार, मद मुनफसिल की मकदार जो है वो कितनी है। तो मद मुनफसिल की मकदार जो है वो है दो अलिफ, आप दो अलिफ जितना इसको लंबा करेंगे, ठीक है। मद मुतसिल में मकदार थी तीन अलिफ, और मद मुनफसिल में मकदार होगी दो अलिफ। जैसे यहां पर हमने पढ़ा था ना आयत नंबर जो है 114 में अय्यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ठीक है, यदखुलूहा इल्ला, यहां पर आपने मद मुनफसिल की है। और मैंने लास्ट टाइम ट्रिक बताया था कि टू फिंगर्स आप क्लोज कर लें, और जैसे ही आप पढ़ें तो आहिस्ता स्लोली आप वन फिंगर आप अप करें, ठीक है, उसको ओपन करें, और फिर दूसरी फिंगर ओपन करें, जितना इनको ओपन करने का टाइम लगेगा इतना ही आपको पढ़ते हुए टाइम लगता है। तो ये होता है ट्रिक कि आप कितनी लेंथ में इसको लंबा कर रहे हैं, ठीक है। मद मुनफसिल के बारे में आता है कि ये इसके बारे में ये रुखसत है कि आप इसको कसर भी पढ़ सकते हैं, मतलब कसर की मतलब ये नाम है कि आप इसको एक अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये सिर्फ मद मुनफसिल के बारे में है कि मद मुनफसिल के बारे में आता है कि आप इसको
एक अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसकी इजाजत है, इतनी सी बात कि इसकी इजाजत है। लाइक जब आप नमाज तरावी पढ़ते हैं या आप हिफ्ज करते हैं तो हिफ्ज में चूंकि स्पीड होती है, नमाज तरावी जो होती है उसमें भी कदरे स्पीड होती है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर नमाजें होती हैं, तो इसलिए उसमें जब कारी कुरान जो है इमाम साहब जो है वो पढ़ते हैं, अगर आप फोकस किया हो आपने, तो जो जहां जहां मद मुनफसिल होती है वहां पर वो कसर ही करते हैं, वो उसको लंबा नहीं करते, वो सिर्फ मद मुतसिल जो है उसकी मकदार को मुकम्मल करते हैं। तो इसके बारे में ये चीज आती है कि मद मुनफसिल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मद मुतसिल का नाम मद वाजिब है दूसरा, तो मद मुनफसिल का दूसरा नाम है मद जायज, यानी जायज है। इसमें मकदार को एक अलिफ भी कर सकते हैं, दो अलिफ भी कर सकते हैं, ये जायज है, इस लिहाज से इसका नाम है मद जायज। अल्हम्दुलिल्लाह मद मुनफसिल के बारे में मैं एक दफा आपको रिकॉल कर देती हूँ। और जी दो अलिफ चार काउंट्स, जी अब आप देख लें कि मैं एक दफा इसको रिकॉल करती हूँ, आप इसको देख लें एक दफा, जो चीज अगर आपको फिर भी कंफ्यूज करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मद मुनफसिल के बारे में सबसे पहले हमने देखा था कि मद मुनफसिल की तौजीह देखी थी कि इसका नाम मद मुनफसिल क्यों है, तो इसमें हमने रूट देखा था फसल के नाम से, और फसल जो है उसका मतलब होता है गैप, या आप कह सकते हैं कि सेपरेशन, सेपरेट। तो इस लिहाज से मद मुनफसिल को मद मुनफसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो महले मद और सबबे मद है वो सेपरेट होते हैं, महले मद एक लफ्ज में और सबबे मद दूसरे लफ्ज में होता है। सिंपल ये बात समझ आई आपको कि महले मद एक लफ्ज में होगा और सबबे मद दूसरे लफ्ज में होगा, तो दोनों में सेपरेशन है और दोनों अल्फाज हैं, इसलिए इसका नाम मद मुनफसिल है। फिर हमने देखा फार्मूला, फार्मूला में हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले आपके पास दो लफ्ज होने चाहिए, ठीक है, दो लफ्ज है दो, और उसके बाद दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए कि एक लफ्ज के आखिर में हर्फ मद्दा होना चाहिए और दूसरे लफ्ज के शुरू में, तीसरी चीज दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा होना चाहिए। ये तीन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके मुताबिक आपको ये चीजें याद हो जाए तो आप कुरान पाक में कहीं भी इसकी मिसाल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने मिसालें भी देख ली थी, ठीक है, जैसे यदखुलूहा इल्ला, फिर हमने एक कॉमन एग्जाम्पल है कालू आमन्ना, ठीक है, और बेशुमार आपने भी देखी और मैंने भी दाया कि इन्ना अरसलना का, तो एक लफ्ज के आखिर में हरफ मद्दा, दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा, और मैंने वो भी आपको चीज क्लियर कर दी कि हमजा की दो शक्लें हैं, एक हमजा अपनी ओरिजिनल शक्ल में है, एक हमजा की ट्विन शक्ल है, यानी अलिफ के ऊपर नीचे कोई भी हरकत आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि मद मुनफसिल की मकदार दो अलिफ जितनी लंबी करते हैं, फिर मैंने उसकी ट्रिक बताई कि दो फिंगर्स आप क्लोज कर लें, स्लोली आप एक को ओपन करें और दूसरी को भी ओपन करें, जितना इनको ओपन करते हुए टाइम लगता है इतना ही आप मकदार को लंबा करते हुए पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया कि इसका सेकंड नेम भी है, सेकंड नेम जो है मद जायज के नाम से है, और फिर मैंने आपको बताया कि मद जायज को, इसको मद जायज क्यों कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करते हुए ये चीज रुखसत है कि आप इसको यानी कि एक अलिफ जितना लंबा करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मद मुतसिल को ऐसा नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ मद मुनफसिल के लिए रुखसत है, ठीक है। तो ये चार अकसाम हमारी हैं जिनमें से दो अकसाम हमने पढ़ ली हैं, तो आपका टेस्ट मैं आपको अभी बता रही हूं कि आपका टेस्ट इंशाल्लाह होगा मद मुतसिल और मद मुनफसिल में कंपेरिजन, उसमें इंशाल्लाह आप मुझे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। मद मुतसिल और मद मुनफसिल में बहुत सारी चीजें सेम है, जैसे आप कॉपी पे ऐसे आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरफ लिखे मद मुतसिल और दूसरी तरफ आप राइट डाउन करें मद मुनफसिल, दरमियान में आप लाइन लगा दें। मद मुतसिल में सबसे पहले नाम की तौजीह जो है वो आप लिखेंगे कि ये एक ही लफ्ज के अंदर, एक ही लफ्ज में होता है, यानी इसका महले मद और सबबे मद एक ही लफ्ज के अंदर होता है, इसलिए इसको मद मुतसिल कहते हैं। और मद मुनफसिल को मद मुनफसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें महले मद और सबबे मद दो अल्फाज के अंदर होता है, सेपरेट होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरे पॉइंट में आप फार्मूला पे आ जाएंगे। फार्मूला में आपने उसका फार्मूला लिखना है कि आपको एक लफ्ज चाहिए और एक लफ्ज के आखिर में आपको हर्फ मद्दा और साथ ही हमजा जुड़ा हुआ हो। इसमें जो मैंने चीज बताई है फार्मूला, तीन चीजें इसके फार्मूला में आती है, वो आपने लिखनी है। फिर आपने इनका लिखना है कि इनकी मकदार कितनी है, फिर आपने इनकी मिसाल लिखनी है, फिर आपने नीचे इनके सेकंड नेम लिखने हैं। तो ये चार पांच बातें हैं, चार पांच पॉइंट्स हैं, इनका आपने कॉपी पे कंपैरिजन आपने तैयार करना है, ठीक है। मद मुतसिल, मद मुनफसिल,
उसके बाद थी मद लाजिम और मद आरिज। आज जो हम पढ़ेंगे किस्म, उसका नाम है मद लाजिम नहीं बल्कि मद आरिज, कि जो चौथे नंबर पर लिखवाई गई है वो हम पहले पढ़ेंगे और मद लाजिम को हम बाद में देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मद लाजिम जो है वो एक लेंथी भी है और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक भी है, उसको हम लास्ट पे स्टडी करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे मद आरिज, ये एक शॉर्ट भी है और इजी भी है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसकी बदौलत आपको मद लाजिम जो है जब आप उस पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेन हेडिंग लिखिए मद आरिज। ठीक है, मद आरिज की तफसीलात या मद आरिज की तफसील, आप इस तरह की हेडिंग लिख सकते हैं। मद आरिज के नाम की तुजी में हम जाते हैं और देखते हैं कि मद आरिज जो है ये ऐसा नाम है और इस नाम के पीछे क्या मुनासबत है। मद आरिज चूँकि आरिज आइन अलिफ रा बाद आरिज, और आरिज जो है वो आरजी से है, और आरजी वो चीज़ होती है जो टेम्पररी हो, जो फॉर द टाइम हो। ठीक है, जो फॉर द टाइम हो तो उसको कहते हैं आरजी चीज़ है। अब ऐसी मद, मद आरिज से मुराद ऐसी मद जो आरजी तौर पर की जाती है। ठीक है, ऐसी मद जो आरजी तौर पर की जाए। मद आरिज को स्टडी करने से पहले एक चीज़ आपने ये देखनी है, जब आपने सबबे मद देखा था, अब आपने ये बातें गौर से सुननी है, जितनी आपके पास खामोशी होगी आपका फोकस मेरी आवाज़ पर होगा, कॉन्सेप्ट्स पर होगा। अगर आपकी सराउंडिंग में या आप कोई एक्टिविटी कर रही हैं इस वक्त, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, आपने कंफ्यूज रहना है। इसलिए हर एक्टिविटी को छोड़ के आप सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। मद आरिज में ये चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं कि मद आरिज में हमें दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, आपने जब सबबे मद पढ़ा था तो सबबे मद में आपने पढ़े थे तीन होते हैं हमारे सबबे मद, एक है हमज़ा, एक है तशदीद और एक है जज़्म यानी कि साकिन। ठीक है, अब साकिन के बारे में आपको ये बताना है, साकिन की अलामत के बारे में आपको ये बताना है कि साकिन दो तरह का होता है। तो साकिन की हम बात कर रहे थे कि साकिन दो तरह का होता है, एक साकिन जिसको हम नाम देते हैं सकून असली, आप लिखिए सकून असली। अभी मैं जैसे आपको इंशाल्लाह वो एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपके माइंड में ये पुख्ता हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। अभी सिर्फ जैसे बता रही हूँ उसको लिखते जाएं, जैसे ही टॉपिक का एंड होगा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि आप टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। साकिन दो तरह का होता है, उसमें से एक छोटी सी हेडिंग लिखें सकून असली, अलिफ सौद लाम या असली जैसे लिखते हैं हम। सकून असली वो सुकून होता है जो अल्लाह की तरफ से कुरान पाक में किसी भी हर्फ पर साकिन की अलामत में मौजूद होता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ इसे कि सुकून असली से मुराद वो साकिन है जो अल्लाह की तरफ से कुरान पाक में किसी भी लफ्ज़ में मौजूद हर्फ पर साकिन की अलामत में पाया जाता है या मौजूद होता है या लिखा होता है, उसको कहते हैं सुकून असली। पहली बात,
सुकून असली के बारे में पहली बात तो सुकून असली के बारे में मेन चीज़ जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि वो ऐसा सुकून जो कुरान पाक में जज़्म की सूरत में किसी भी हर्फ पर मौजूद हो वो अलामत, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, उससे पता चल जाएगा ये सुकून असली है। एक और चीज़ आप सुकून असली के बारे में एडिशनल जो है वो नोट कर लें कि सुकून असली जो है उसकी पहचान ये भी होती है कि वो चाहे हम वक्फ़ करें तिलावत, चाहे हम वसल करें। वक्फ़ कहते हैं ना कि पढ़ते हुए सांस टूट जाता है तो हम रुक जाते हैं वहाँ पे, और वसल कहते हैं कि जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे लफ्ज़ को पढ़ते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, वो होता है वसल। तो सुकून असली जो है वो वसल में भी और वक्फ़ में भी ड्रॉप नहीं होता, वो पढ़ा ही जाता है, ठीक है। जैसे लफ्ज़ है अनअमता, ठीक है, अनअमता। अब अनअमता में नून के ऊपर क्या है, ये साकिन की अलामत है। अब ये जो है चाहे मैं अनअमत पढ़ूँ या अनअमता पढ़ूँ, ये जो साकिन है इसने साकिन ही पढ़ा जाना है, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से साकिन की अलामत इस पर मेंशन है, चाहे वक्फ़ करें चाहे वसल करें ये तब्दील नहीं हो सकती। ये है इसकी दूसरी पहचान सुकून असली की। तो हमारे पास सुकून असली की दो पहचान आ गई हैं। पहली पहचान कि सुकून असली ऐसा सुकून है जो अल्लाह की तरफ से कुरान पाक में किसी भी लफ्ज़ या किसी भी लफ्ज़ में हर्फ के ऊपर अलामत की सूरत में मौजूद होता है। दूसरी पहचान कि सुकून असली ऐसा सुकून होता है जो तिलावत के चाहे वक्फ़ हो चाहे तिलावत का वसल हो वो कभी भी ड्रॉप नहीं होता, वो पढ़ा ही जाता है। और जिसकी मिसाल है आपके पास बेशुमार मिसालें हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी सुकून असली की हो गई हैं और आप कुरान पाक पर देख सकते हैं, आपको बेशुमार इसकी मिसालें हर लफ्ज़ में आपको साकिन की जो अलामत है वो मिल सकती है। अब हम दूसरी किस्म पर आते हैं, सुकून असली का उलट क्या हो सकता है। एक है वो सुकून जो असली है और दूसरा सुकून क्या होगा, उसको कहेंगे सुकून आरजी, ठीक है। सुकून आरजी मतलब ऐसा सुकून जो आरजी हो या आरजी तौर पर किया जाने वाला सुकून। सुकून आरजी से मुराद ऐसा सुकून जो आरजी तौर पर किया जाए, ठीक है। और आरजी तौर पर सुकून जो किया जाता है उसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से वो सुकून नहीं है बल्कि हम खुद उसको सुकून कर रहे हैं, हम वहाँ पर खुद सुकून से पढ़ रहे हैं, वहाँ खुद से साकिन करके पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं सुकून आरजी। अब मुझे बताएं यहाँ तक बातें क्लियर हुई हैं, फिर हम थोड़ी सी आगे इस पर बहस कर लेते हैं। यहाँ तक एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं सुकून असली और सुकून आरजी के बारे में जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, इसको ज़रा देखिए। तो सुकून आरजी के बारे में कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। सुकून आरजी ऐसा सुकून होता है, ज़ाहरी बात है वो हमने ख़ुद से करना होता है। तो सुकून आरजी जो है ये कब होता है, ये हमेशा वक्फ़ की सूरत में होता है, ठीक है। ये हमेशा वक्फ़ की सूरत में होता है। जैसे मेरे सामने अभी कुरान पाक खुला है तो यहाँ पर मैं आयत नंबर देख रही हूँ, आयत नंबर 121 सूरतुल बकरा, यहाँ पर आता है फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून। अब आयत का इख्तिताम है लेकिन लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, लेकिन जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं वक्फ़ करते हैं तो हम पढ़ते हैं फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून। ये जो नून को हमने साकिन करके उसकी हरकत को हमने साकिन कर दिया है इसको असल में कहते हैं सुकून आरजी, कि नून की ज़बर की हरकत को हमने सुकून आरजी में तब्दील कर दिया है। यह है आपकी मिसाल सुकून आरजी की। तो जहाँ पर आप आयत के दरमियान में या आयत के एंड पर आप जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत को साकिन करके पढ़ते हैं और वो हमेशा वक्फ़ की सूरत में होता है उसको कहते हैं सुकून आरजी, ठीक है। तो बेशुमार मिसालें इसकी,
और जैसा कि हम जब तिलावत भी कर रहे होते हैं तो आयत लंबी होती है तो उसको फिर हम दरमियान में वक्फ़ करते हैं, और जिस लफ्ज़ पर हम वक्फ़ करते हैं तो फिर उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत को हम साकिन कर देते हैं। और ये माशाल्लाह हम पहली आयत से इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज हमने उसको इल्मी तौर पे उस प्रोसेस को देखा है कि उसको इल्मी तौर पे क्या नाम देते हैं। तो ये एक फिनोमिना होता है कि वो चीज़ें जो आप माशाल्लाह एज अ प्रैक्टिस जो है वो आप तिलावत में कर रहे हैं, लेकिन आप जब उनकी टर्मिनोलॉजीज़ या आप इल्मी तौर पे उनके कोई नाम पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई बहुत नई चीज़ आ गई है, कोई अनोखी चीज़ आ गई, यूनिकनेस है। हालांकि वो चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। अब जैसा कि मखारिज जैसे हम करते हैं तो मखारिज के अंदर जो बा है, ता है, तो इसमें जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका आर्टिकुलेशन पॉइंट यानी इसका मखरज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बहुत ही कोई हैवी किस्म की तजवीद पढ़ रहे हैं, हम तो बड़ी हैवी किस्म की तजवीद सीख रहे हैं। हालांकि बा जो है अगर हम खुद नोट करें मिरर के सामने खड़े होकर तो दोनों होंठों को तो आपस में मिला रहे हैं। ज़रा और गौर से देखें तो अंदर का जो होंठ का गीला हिस्सा है वो आपस में मिल रहा है, और ये हमारी स्टेटमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हम उसको इल्मी तौर पर देख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मद आरिज़ वक्फ़ी जो है, मद आरजी जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। उसको स्टडी करने से पहले हमने सुकून के बारे में हमने देख लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया सुकून असली ऐसा सुकून जो अल्लाह की तरफ से कुरान पाक पर मेंशन होता है, जो वसलन और वक्फन दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मेंशन है। फिर देखा कि सुकून असली का ऑपोजिट क्या है, सुकून आरजी। ठीक है, सुकून नकली भी हो सकता है, सुकून आरजी। सुकून आरजी में हमने देखा कि ये वो सुकून है जो कारी कुरान दौरान तिलावत वक्फ की सूरत में खुद से किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को साकिन कर दे। ठीक है, कि एक डेफिनेशन बन गई, जो माशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ख़ुद अपने अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये कोई भी वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं जो अल्फाज बोल रही हूँ बस वही है, सिर्फ आपके अल्फाज हो सकते हैं लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बात जो है वो ठीक होनी चाहिए, बाकी आप अपने अल्फाज में भी इसको बयान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सुकून आरजी ये हमेशा वक्फ की सूरत में सामने आता है, ये वसल में नहीं आता। ठीक है, अगर मैं आयत नंबर 121 देखिए, फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून पे मैं स्टॉप नहीं करती, मैं अगली आयत के साथ उसको लिंक आउट करती हूँ, तो मैं तो नहीं वहाँ पे वक्फ कर रही, तो फिर मैं जब वक्फ नहीं करूँगी तो फिर हुमुल खासिरून के आखिरी नून को भी मैं साकिन नहीं करूँगी, वो मुतहरिक रहेगा। तो हमेशा वक्फ की सूरत में सुकून आरजी सामने आता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं मद आरिस के साथ एक और लफ्ज़ लिख दीजिए, वक्फ़ी। अब आप इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा वक्फ़ी का भी, वाक़फ़ फ़ाया वक्फ़ी। वक्फ़ी बच्चों जैसा कि मैंने आरजी के बारे में बताया, वक्फ़ी भी अपने नाम से ही वो क्लियर हो रहा है कि वक्फ़ी कहते हैं जैसे वक्फ से है, जब हम तिलावत करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं तो दौरान तिलावत जब हमारा सांस जो है वो टूटता है या हम वहाँ पर ब्रेक करते हैं तो उसको कहते हैं वक्फ़ करना, चाहे वो आप आयत के इख्तिताम पर करें या आयत के दौरान कर दें, आयत के दरमियान में कर दें, दोनों जगहों पर जायज़ है। तो मद आरिज़ वक्फ़ी जो है ऐसी आरजी मद है जो वक्फ की सूरत में जनरेट होती है, जो वक्फ की सूरत में सामने आती है। ठीक है, यानी ये वो मद नहीं है कि आप वसल कर रहे हैं तो ये साथ में ये मद भी आ रही है, नहीं, जब आप रुकते हैं तो ही ये मद सामने आती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई कि मद आरिज़ वक्फ़ी हमेशा कब आती है, जब हम दौरान तिलावत वक्फ़ करते हैं, चाहे आयत के दरमियान में या आयत के एंड पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्या ख्याल है, आज के लिए इतना काफ़ी है, चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए। चलिए ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो आपने जितनी आज हमने मद आरिज़ वक्फ़ी के बारे में, हमने तो जिहाद और फिर हमने सुकून के बारे में पढ़ा है, वो चीज़ें जो है वो आपने उनको रिकॉल करना है इंशाल्लाह, देखना है और
इंशाल्लाह वो जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और ये इल्मी जो गुफ्तगू होती है, ये जो इल्मी बहस होती है, या आप इस पर जब आप किसी को टीचिंग देते हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स बनाकर पेश करना या इसको प्रेजेंट करना ओरल वे में, ये असल में ये करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हाफिज़ कुरान है सिंपली जो हिफ्स करने जाता है, तो जो टीचर होता है वो सिंपली उसको ऐसे ही पढ़ा रहा होता है। ये सारी मेथोडोलॉजीज़ जो है ना वो उसके पढ़ाने में होती हैं, लेकिन सिर्फ वो उसको इस इल्म को उसको बताता नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ाता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि हम उस इल्म को प्रैक्टिकली पढ़ भी रहे हैं और उसको हम थ्रेटिकली उस इल्म को हासिल भी कर रहे हैं, ये चीज़ फ़र्क है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज पर जो मद का साइन होता है, ठीक है, क्या वो अल्लाह की तरफ से है या वो रसमुल ख़त जो है जब राइटिंग की जाती है कुरान पाक की, या उसमें ये रमूज़ो अकाफ में आता है, ये बाद में जो अमेंडमेंट्स की गई थी कुरान पाक की तरवीज में इसके रमूज़ो अकाफ बनाने में, ये सारा क्या सिनेरियो है? मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब कुरान पाक, आपको पता है कि कुरान पाक तो इसका नज़ूल जो है वो किताबी शक्ल में हुआ ही नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इल्का किया गया था, और फिर दिल पर इल्का किया गया और उसके बाद सहाबा इकराम ने सुनकर इसको अपने दिल में ही महफूज किया। लेकिन बादजा इसको फिर, जैसा कि आपको पता हो या आपने सुना पढ़ा हो कि कुरान पाक की आयात को, क्योंकि उस वक़्त कापी एंड पेंसिल तो नहीं था, तो उस वक़्त ऊंट की बड़ी बड़ी हड्डियों पर और बड़ी बड़ी छालों पर, वहाँ पर ये आयात जो थी वो मेंशन की जाती थी, लिखी जाती थी। तो इस तरह महफूज कुरान पाक जो है वो किया गया। कुरान पाक के बारे में ये है कि आज 21वीं दौर में, यानी 21वीं सदी में अगर देखा जाए, तो अगर हम आज से कोई 200 सदियां पहले 300 सदियां पहले अगर कुरान पाक को देखेंगे, तो कुरान पाक में इतने रमूज़ो अकाफ नहीं होंगे जितने आज मौजूद हैं। इससे ये बात भी सामने आती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुरान पाक में आम जो गैर अरबी लोग हैं उनके आसानी के लिए बहुत सारे रमूज़ कहते हैं, रम्स कहते हैं इशारे को, बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिंबल जो हैं, बहुत सारे ऐसे इशारात जो हैं वो लगाए गए हैं हमारी आसानियों के लिए। आप देखें कि जैसा कि तशदीद है, तशदीद में जब आप इदगाम करते हो तो इदगाम में जैसे लफ्ज़ है मैं यकूलू, आप इसमें नून के बाद जो या है उस पर आप तशदीद देखते हैं कुरान पाक में। हालांकि ये तशदीद हमें अब पता चल चुका है, ये तो इदगाम की वजह से आई है, तो ये अरबी मुसफ़ में ये तशदीद मेंशन नहीं होती। वो इसलिए कि जो गैर अरबी लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनके आसानी के लिए कि यहाँ पर मैंने मिला कर पढ़ना है क्योंकि ये तशदीद है, वो नहीं पता कि क्यों तशदीद है, किस वजह से है, क्या रीज़न है, वो नहीं पता, बस तशदीद है तो मुझे ये सिंबल है, ये साइन है कि यहाँ पर मैंने मिला के पढ़ना है, वो मेरे पढ़ने के लिए, मेरी अदायगी के लिए एक इशारा है। तो इस तरह के बहुत सारे इशारे हैं, और आप ये भी देखते हैं जैसे लाम होता है, तो होता है, ज़ा होता है, सीन होता है, सौद लाम या होता है, ये भी सारे क्या है, रमूज़ो अकाफ हैं। ये भी सारे वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इशारात जो हैं वो कुरान पाक पर लगाए गए हैं। इसी तरह ये जो मद का सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। अब आपको हो सकता है कि माइंड क्लियर हो रहा हो इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, कि ये भी इट्स अ टाइप ऑफ सिंबल, ये भी एक इशारा है कि यहाँ पर हम मद करके पढ़ें। आपने अक्सर कुरान पाक में देखा होगा कि मद मुत्तसिल की जगह पर मोटी सी मद होती है, ठीक है, साइन तो सेम होता है लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, और जो मद मुनफसिल होती है वो बारीक मद होती है। उस मोटे और बारीक के पीछे भी तो एक चीज है ना, जिसके अगर आप इसमें गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि मद मुत्तसिल जो है वो मद वाजिब है। तो जैसे कि लाम है, सौद लाम या है, इस तरह के बहुत सारे रमूज़ो अकाफ हैं, तो उसमें ये होता है कि कहाँ पर आपने आयत की तिलावत करते हुए वक्फ करना है, कहाँ पे आपने कैसे पढ़ना है, ये सारे मेंशन्स होते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि मद का जो साइन होता है वो बारीक और मोटा दोनों होता है, और आपने देखा होगा अक्सर के मद मुत्तसिल के ऊपर जो साइन होता है वो ज़रा थिक होता है, ठीक है, मद का साइन
और जो मद मुनफसिल पर होता है वो कदरे बारीक होता है। इसके पीछे भी क्या रीजन हो सकती है, इसके पीछे भी रीजन ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि मद मुत्तसिल जो है वो मद वाजिब है, हर सूरत में आपने उसको थ्री अलिफ के बराबर आपने उसको लंबा करना है, अगर आप उसमें कमी बेशी करेंगे तो वो गलती कंसीडर होगी। इसी तरह से मद मुनफसिल जो है वो मद जायज है कि वहां पर आप कसर भी कर सकते हैं, कसर मीन के आप उसको एक अलिफ भी पढ़ सकते हैं, दो अलिफ भी पढ़ सकते हैं, यानी उसमें गुंजाइश है, इसलिए उस पर जो मद का साइन है वो बारीक है। अब देखिए ये इसकी बिहाइंड जो है वो एक तरह से लॉजिक है, लेकिन शायद हमने इस पर गौर ना किया हो। तो जो मद का साइन है वो साइन एंड सिंबल जो है वो ऐसे ही समझ लें कि इंसानों के बनाए हुए हैं, और वो भी हमारी आसानी के लिए है। अदरवाइज उस पर साइन एंड सिंबल ये चीजें ना हो तो हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं उन रूल्स की बदौलत हमें ये चीज काबिल करती है कि हम कुरान पाक की तिलावत तरतील के साथ सही तरीके से कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज है, ये थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट कर दिया आपका क्वेश्चन, कि उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये साइन एंड सिंबल्स इंसानों के हैं और ये हमारी आसानी के लिए हैं, और ये ऐसे ही समझ लें कि पढ़ते तो हम बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन ये सिर्फ इशारे इसलिए बताए गए हैं कि जो नॉन अरब हैं उनको समझ आ जाए कि यहां पर आपने लंबा करना है, बारीक करना है, छोटा करना है, रुकना है, कैसे चलना है, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वहां पर आप मद मुत्तसिल में और मद मुनफसिल में अगर सिंबल नहीं भी होता तो हमने नीचे उसके जो बेसिक चीज है उसके हरूफ, हरूफ मद्दा और माहले मद और सबब मद, ये बेसिक चीज है, ये क्लियर है, तो ऊपर चाहे सिंबल ना हो हम वहां पे मद करेंगे। थ्योरी का काम स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक दफा हम क्या स्टडी कर रहे थे लास्ट वीक में। तो हम स्टडी कर रहे थे मद आरिस के बारे में, मद आरिस में फिर हमने सुकून के बारे में देखा था, मद आरिस को मद आरिस क्यों कहते हैं, मद आरिस की रिक्वायरमेंट्स देखी थी, उसमें हमें पता चला था कि हमें उसमें सुकून की ज़रूरत है, और सुकून जो है वो दो तरह के होते हैं हमें पता है, एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो वक्फ और वस्ल में कभी भी ड्रॉप नहीं होता है, और जो सुकून वक्फ की सूरत में हम खुद से साकिन करते हैं और वो मेंशन वहां पे लिखा हुआ नहीं होता बल्कि हमारे सिर्फ पढ़ने में होता है, तो वो सुकून असली नहीं बल्कि सुकून आरजी होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। तो ये थी दो चीज़ें। फिर थोड़ी थोड़ी मिसालें हमने कुरान पाक पर देखी थी, मैंने कुछ बताया था, लेकिन कंप्लीट उसको आज हम कर देंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं तो मद की इस टॉपिक के बारे में, मद आरिज वक्फी, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताऊंगी। लास्ट क्लासेस में आपने इसका नाम लिखा था मद आरिज, आज एक लफ्ज इसके साथ और ऐड कर लें। आपने जहां मेन हेडिंग दी हुई है उसके साथ आप लिखें मद आरिज वक्फी, ठीक है, मद आरिज वक्फी, जैसे वक्फ होता है ना वाव काफा वक्फ, ऐसे ही है वक्फी। इंशाल्लाह जो आज हम बातें डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि वो बातें आपको, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अच्छे से सुने हुए हैं, अच्छे से नोट डाउन हैं, असेसमेंट करते रहे हैं, तो आज बातें जो है वो बहुत जल्द क्लिक करेंगी आपको इंशाल्लाह। तो आज नाम जो है, एक नाम जो है वो थोड़ा सा एडिशन करवाई है, मद आरिस वक्फी, और मद आरिस, आरिस का जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव है, आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि ऐसी मद जो आरजी तौर पर की जाती है, इसमें सुकून जो है वो आरजी होता है जिसकी बुनियाद पर इसका नाम है मद आरिस, ठीक है, दो सुकून थे, सुकून असली और सुकून आरजी, इसमें चूंकि सुकून आरजी होता है इसलिए इस मद को भी मद आरिस कहते हैं। वक्फी क्यों कहते हैं, चूंकि ये मद हमेशा वक्फ पर की जाती है, चाहे आयत का एंड हो चाहे आयत का दरमियान हो, जहां आप अपनी सांस और अपनी आवाज को तोड़ते हैं उसे वक्फ कहते हैं, वहीं पर यह मद जो है आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मद आरिस वक्फी। सेकेंडली अब हम फार्मूला जो है वो अब उसका लिख लें, क्योंकि नाम हमने काफी अच्छे से समझ लिया है तो फार्मूला भी इसी नाम की मुनासिबत से ही होगा।
मदयारिज़ वक्फ़ी में सबसे पहले हमें चाहिए एक लफ्ज़, एक लफ्ज़, और लफ्ज़ को अरबी ज़ुबान में कहते हैं कलीमा। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक कलीमा या एक लफ्ज़, दोनों एक ही बातें हैं। प्लस उसमें हमें चाहिए एक लफ्ज़ के बाद हम सेकेंडली हमें क्या चाहिए होगा उसमें, सेकेंडली हमें चाहिए उसमें उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में हमें हर्फ़ मद्दा चाहिए। सेकेंड ये है, उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हर्फ मद्दा हो। तीसरी चीज़ उसमें ये चाहिए कि जिस लफ्ज़ पर हम एंड कर रहे हैं, इसी लफ्ज़ पे हम एंड कर रहे हैं, उसका आखिरी हर्फ जो है वो हम साकिन करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं सुकून आर्जी। तीसरी चीज़ में लिखते सुकून आर्जी, पहली चीज़ एक लफ्ज़ चाहिए, फिर उसमें हमें आखिर पे हर्फ मद्दा चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ सुकून आर्जी हो। वो सुकून आर्जी डेफिनेट मेंशन नहीं होगा, वो बल्कि हमने खुद से करना है, वो हमारी तिलावत में होगा। ये तीन चीज़ें हैं, उम्मीद है ये चीज़ें अब आपको, अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ ज़्यादा तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो अब आपके सामने एक लफ्ज़ है, कुरान पाक खोल लीजिए, तो एक कॉमन वर्ड है कुरान पाक में यालमून। तो जब आयत का एंड होता है यालमूना, तो आप देखते हैं कि नून के ऊपर ज़बर है, जब आप पढ़ते हैं उसको तो आप पढ़ते हैं यालमून। तो आपने क्या तीन चीज़ें, अब आप इसमें तीन चीज़ों को देख लें कि ये एक लफ्ज़ भी है और इसमें हरफ मद्दा भी है, और नून के ऊपर चूंकि ज़बर है तो हम उसको आरजी साकिन कर रहे हैं यालमून, ठीक है जी। अब और थोड़ी सी चीज़ें और हैं, वो नोट कर लें इसमें मदयारिज वक्फी में, फिर हम इंशाल्लाह मसाले देख लेते हैं। कि जब हम मदयारिज करते हैं तो हमें मिकदार क्या रिक्वायर है, कितनी लेंथ में हम इसको लंबा करेंगे, मद कितनी करनी है हमने, तो मद की मिकदार इसकी हेडिंग दें, मद की मिकदार कितनी होगी। इस मद में आप तीन मिकदारों से पढ़ सकते हैं, ठीक है, मदयारिज वक्फी में आप तीन मिकदारों से पढ़ सकते हैं। आप इसमें एक अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, आप इसमें दो अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, आप इसमें तीन अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना लंबा करते हैं, 1, 2, 3 यहां तक इसकी इजाजत है, ये बात भी क्लियर होगी। अब जहां पे आपने एक अलिफ लिखा है इसके साथ आप लिखें कसर, कौफ सौद रा कसर। जहां पे आपने दो अलिफ लिखा है वहां पे आप लिखें तवस्सुत, त वाव सीन तो तवस्सुत। जहां पे आपने तीन अलिफ लिखा है वहां पे आप लिखें तूल, तो इसको तो ही कहते हैं उर्दू में, तो वाव लाम तूल। ये मैंने इससे पहले नहीं बताया आपको, लेकिन आज हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। अरबी जुबान में एक अलिफ को कहते हैं कसर, और आपको पता है कसर जो है वो कम को कहते हैं, मुख्तसर को कहते हैं, कम को कहते हैं, ठीक है। और तवस्सुत जो है इसको क्या कहते हैं, जो दरमियानी दर्जे का होता है, ठीक है। और जो तीन अलीफ है इसको तूल कहते हैं, और आपको पता है कि तूल तवील से है, लंबा से है, और ये मिकदार सबसे लंबी होती है, इस मुनासिबत से इसको तूल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे तदबीक के दौरान कहूँ कि इसकी मिकदार कसर है, तो आप फौरन से इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक अलीफ है। जब मैं बोलूँ कि इसको तवस्सुत करें, मद मुनफसिल को तवस्सुत करें, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि दो अलीफ जितना लंबा करना है। मैं आपसे कहूँ कि मद मुत्तसिल को आप तूल करें, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि इसको तीन अलिफ जितना लंबा करना है, ठीक है। तो आज आपने एक अलिफ, दो अलिफ, तीन अलिफ के नाम भी पढ़ लिए, कसर, तवस्सुत, तूल, जी ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। हमने कितनी चीज़ें सीखी है, सबसे पहले मद आरिज वक्फी के नाम की तोजीह सीखी है,
उसके बाद हमने मदयाइज वक्ती में उसका फार्मूला सीखा है, फिर हमने इसमें सुकून जो है, सुकून के बारे में हमने सीखा है, सुकून कितनी अकसाम के हैं और इसमें कौन सा सुकून जो है वो आता है, और एंड में हमने देख लिया है कि मदयारिस वक्फी की जो मकदार है वो कितनी होती है। तो मदयारिस वक्फी की मकदार आप कसर भी कर सकते हैं, या अलमून तो वसब भी कर सकते हैं, तूल भी कर सकते हैं, वहुम यालमून। ठीक है, एक बात नोट आप लिख सकते हैं, हेडिंग दीजिए नोट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये इतनी अहम बात है कि इसके बारे में नॉर्मली आवाम को नहीं पता होता, हम इसके बारे में बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते। ये वो लोग केयरफुल होते हैं या उनके इल्म में ये बात होती है जो माशाल्लाह बड़े ही माहिर और बड़े ही हाजिक कारी कुरान होते हैं, एक्सपर्टीज लेवल की उनकी एबिलिटीज होती हैं, एक्सपर्ट लेवल के टीचर होते हैं, या आप कह लें कारी कुरान होते हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से ये मश्क हासिल की होती है इस तिलावत कुरान की, तो उनके इल्म में ये बात होती है। तो इस बात को अच्छे से आप नोट कर लें। अहम बात वो ये है कि जब आपने तिलावत कुरान करनी है, आप तिलावत कर रहे हैं, तो आपने मदयारिस वक्फी की मकदार एक आयत के एंड पे आपने मदयारिस वक्फी की जो मकदार है वो आपने कसर की है, लेकिन जब आपने कसर की है तो आपने सेकंड आयत में भी डेफिनेट मदयारिस वक्फी है, तो आप उसमें आप ये नहीं कि आप उसमें तवसुत कर रहे हैं, एक आयत में आप तवसुत कर रहे हैं, एक आयत में आप कसर कर रहे हैं, एक आयत में आप तूल कर रहे हैं, कि तीनों की इजाज़त है इसलिए तीनों में से जो मर्जी करते रहें, ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में कुरा का जो है वो राय ये है कि आपकी तिलावत में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने कसर को चूज किया है तो आप तमाम मदयारिस वक्फी, जहां जहां मदयारिस वक्फी आ रही होगी आप वहां पे कसर करेंगे। ठीक है, अगर आपने तूल को चूज किया है, आप लंबा सांस है लंबा चूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जितनी तिलावत करना चाह रहे हैं आप उसमें तूल करें, यानी कुरान में इस चीज का भी आप बैलेंस का जो है वो ख्याल रखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मदयारिस वक्फी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम बातें जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अभी आप कुरान ओपन कीजिए और आयत नंबर देखिएगा, यहाँ पे आयत नंबर है 116 के लास्ट वर्ड्स हैं, कुल्लु लहू कानितून। अब कानितून आखिरी लफ्ज़ है, यहाँ पे हमारा वक्फ हो रहा है। अब इसमें वाव मद्दा है, पहली बात है कि एक लफ्ज़ है, फिर इसमें वाव मद्दा हमारी सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो रही है हरफ मद्दा, और आगे नून के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ सुकून आरजी के साथ हम इसकी मद करेंगे। अब हमारे पास ये तीनों च्वाइसेस हैं कि हम यहाँ पे कौन सी मकदार को पुट कर सकते हैं, तो वो हमने भी डिस्कस कर लिया कि हमने तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई एक करेंगे। ठीक है, तीनों ही नहीं करेंगे, तीनों में से कोई एक करेंगे। और भी मज़ीद ये कि जितनी तिलावत करनी है उसमें भी या तो तूल फिक्स करें, या तवसुत फिक्स करें, या कसर जो है वो फिक्स करें। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदयारिस वक्फी में हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हरूफ मद्दा जो है वो होने ज़रूरी हैं और आरजी सुकून जो है वो चाहिए, लेकिन इसकी दूसरी टाइप है मदे आरिज वक्फी की, मदे आरिज लीन। आप नाम लिखें, मदे आरिज लीन। अब आप देखें कि मदे आरिज, अब आपको ये चीज क्लियर है कि आरिज आरजी को कहते हैं, और इसमें क्या चीज आरजी होगी, इंडेफिनिट आरजी सुकून होगा। लीन से ये बात साबित होती है कि इसमें हरूफ़े लीन होंगे, हरूफ़े मदा नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इस मद का नाम है मद आरिस लीन, यानी वो मद जो दौराने तिलावत जब हम वक्फ करते हैं तो ये मद तब वजूद में आती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मदयारिस वक्फी थी। आरजी वक्फ करते हैं,
चाहे आयत के दरमियान में या आयत के इख्तिताम पर। इसका फार्मूला नोट करें। इसमें भी हमें एक लफ्ज चाहिए। और लफ्ज के अंदर यानी आखिर पर हर्फ लीन होना चाहिए। हर्फ लीन और आखिरी हर्फ जो है उसकी हरकत को हम साकिन करेंगे। तीन चीजें हमारे पास आ गई। एक लफ्ज हो, लफ्ज का जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो लेटर है वो हर्फ लीन होना चाहिए और जो लास्ट लेटर है उसकी हरकत को हम खुद साकिन करेंगे। सेम फार्मूला है मदयारिज वक्फी का, सिर्फ उसमें रुफ मद है, इसमें रुफ लीन है। अब कुरान पाक में तिलावत करते हुए जैसा कि लफ्ज आ जाता है खौफुन, खौफुन, तो खौफुन पे जब हम स्टॉप करेंगे तो आप देखेंगे ये एक लफ्ज है, लफ्ज का सेकंड लास्ट जो लेटर है वो हर्फ लीन है, वाक्य से पहले जबर है और लास्ट लेटर जो है वो तनवीन वाला है। जब हम उसको साकिन करेंगे तो वो बन जाएगा खौफ, खौफ। तो ये रिक्वायरमेंट इस लफ्ज के ऊपर पूरी हो रही है। तो इस लफ्ज पर जो हम मत करेंगे वो होगी मद आरिज लीन। अब आप देखेंगे जैसा कि उसमें भी हमने मिकदार देखी थी कि कितना आपने लंबा करना है, तो आप हेडिंग दीजिए मिकदार। मद आरिज लीन की मिकदार के अंदर भी थ्री ऑप्शंस हैं, जिस तरह मद आरिज वक्फी की थी। इसमें आप कसर भी कर सकते हैं, तवसुब भी कर सकते हैं और तूल भी कर सकते हैं। और आप इन तीनों टर्म्स के बारे में जानते भी हैं क्योंकि हम मद आरिज वक्फी में इसको पढ़ चुके हैं कि कसर जो है काफ सौदरा ये है दो एक अलिफ के बराबर, तवसुत जो है वो दो अलिफ के बराबर और तूल तीन अलिफ के बराबर। अगर तूल बोलें तो इट्स मीन के तीन अलिफ, तवसुत बोलें दो अलिफ, असर बोलें तो एक अलिफ। तो ये तीनों मकदारें जो हैं एट अ टाइम आप उसमें से कोई एक मकदार के साथ इसको पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि तिलावत करते हुए आप तीनों मकदार लगा लें, आपने कोई एक मकदार सेलेक्ट करनी है। और आपको अगर याद हो तो मद आरिज वक्फी में भी ये चीज़ कही गई थी कि आपकी तिलावत, आपने जितनी भी तिलावत करनी है, फॉर एग्जांपल आपने 10 आयात पढ़नी है, 20 आयात पढ़नी है, तो उसमें आपने एक ही मकदार को सिलेक्ट कर लेना है, मद आरिज वक्फी के लिए भी, मद आरिज लीन के लिए भी, क्योंकि आपके पास है ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है जी। तो अपनी तिलावत में किसी भी एक मकदार को आप चाहे तवसुत करें या कसर करें या तूल करें वो सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक आप तिलावत करेंगे। आखिरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मद आरिज लीन में जो पसंदीदा मकदार है वो है कसर, ठीक है, जो पसंदीदा है वो कसर है और मद आरिज वक्फी में जो पसंदीदा है वो तूल है। ये पॉइंट भी आप वहां नोट कर लें। मद आरिज वक्फी में पसंदीदा तूल है, मद आरिज लीन में पसंदीदा कसर है।